जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई लिटरली पूरा हैदराबाद डूबा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ बोल रही है, क्योंकि मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ वो तो नहीं डूबा हुआ, ज़्यादा में ज़्यादा मेरी जो गली है वो थोड़ी डूबी हुई है। फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है और ये पूरा डूबा हुआ है। सही है, ये तो अभी थोड़ा पानी आगे आगे ना, पूरी वो स्लोप देखे, पूरा वो स्लोप डूबा हुआ है, बस ये इतना खैर ज़्यादा पानी नहीं है। और दूसरा ये कि जो मेरी गली का पार्क है वो भी सारा पानी में डूबा हुआ है। ठीक, अब थोड़ा वॉक करके गली के नुक्कड़ तक चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है उसका। मतलब ये जो है ये प्लॉट है, ये प्लॉट्स की वजह से ये पानी बाहर आ गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई गटर नहीं है। ये गटर एक जो जहाँ पानी नहीं है, ठीक है, हमारे पास भी गटर है जो पानी सारा वहाँ चला गया। ये भाई सीन ये है कुछ, ये पूरा प्लॉट भर चुका है इसलिए वो पानी है ना प्लॉट वाला रोड पे आ गया। असल में बारिश जो है वो कल से चल रही है और अभी तक बंद नहीं हुई ना, अभी तक चल रही है स्लो। पकोड़े समोसे मजेदार। अच्छा तो मैं सामान की वजह से वहां से वापस यहाँ आ गया था, तो आधा बंडे इनको कम करो। मैं थोड़ी बाजी रखूँ पास दे। किधर है? तुम बोलना नहीं है बोया और जो सीन हो रहा है मेरे। अब बस काफी है। यार कल मैं यहाँ से गुजरा था तो यहाँ पे भी मतलब पानी था काफ़ी सारा, यहाँ तक मतलब सीन है, तो शायद गटर खुल गए हों इसकी वजह से, मतलब लाइट आती है तो मोटर चलना स्टार्ट होती है और गटर शुरू हो जाते हैं, फिर से तो पानी वापस यहाँ चला गया हो। भाई ये मेरी गली का बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे देखो पानी नहीं है इतना। ये रोड के सूरत हाल है और यहाँ पे मतलब ऐसे ये मेन इलाका है जहाँ पे पानी नहीं होता मेजॉरिटी, सही है ना। अब एक मैं ऐसी जगह पे ले जा रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा होता है, वो थोड़ा मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वो वाहियात जगह है जहाँ पे पानी मेजॉरिटी टाइम भरा हुआ होता है, बट ये सारा अलहमदुल्ला से साफ सुथरे हैं, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ गई, पानी मतलब कम हो गया। ये एक जगह है जहाँ से गाड़ियाँ मतलब पानी बहुत जमा हो जाता है। ये रात से ये मोटर वगैरह लगा दी गई थी और ये फुटपाथ वगैरह तोड़ दिया गया है और पानी यहाँ से नहरों की तरह यहाँ से आ रहा है और वो पानी वहाँ से आ रहा है पानी और यहाँ से हो रहा है। हैदराबाद जो है वो रेड जोन में लगा हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अपना आप लोगों को 3 बजे तक सारी शॉप्स और बिजनेस बंद करने हैं ड्यूरिंग द फ्लोट, अभी क्योंकि अभी रेड जोन में लगा पड़ा है और अभी बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। अभी 2:30 बज रहे हैं, आधे घंटे में मेरे ख्याल से सब ये जो है बंद हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे बंद लगे पड़े हैं और बहुत कम खुली हुई है, ये सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए बारिश की वजह से, बाकी सब बंद है। फार्मेसी भी शायद मेरे ख्याल से बंद है, नहीं शोरूम सारे बंद लगे पड़े हैं, वो देखिए खाना मोटर बंद लगा पड़ा है और बेकरी और सेविन मार्ट वगैरह ये खुले हुए हैं, बेकरी खुली हुई है, सामने ब्लैक एंड ब्राउन खुला हुआ है, करी बिरयानी अलफजर ये सब खुले हुए हैं, ये सारे शोरूम सारे बंद लगे पड़े हैं। जो बारिश है वो भी बड़े बड़े टाइट किस्म की हो रही है और मैं ये वापस अपने घर की तरफ आ चुका हूँ वापसी, और अभी तक मुर्गे लगे हुए हैं उसमें अपने खाने में। यार अभी जो है सोच रहा हूँ कि अपना गाड़ी निकालूं और कहीं चक्कर पे जाऊं ना, तो आधा घंटे के बाद नमाज वमाज मुझे पढ़नी है, फिर चलते हैं हम लोग। अच्छा तो ये रास्ता जा रहा है लतीफाबाद आज का पर, ठीक है, और यहाँ पे पानी की जो सूरत हाल है वो चेक करो भाई, वो आगे आगे बहुत है। मैं आगे वहाँ से गाड़ी लेके आऊँ तो मेरी मतलब गाड़ी की नंबर प्लेट तक पानी आ रहा था और ये देखिए सामने आगे वो चेक करो भाई, जो गाड़ी आ रही है उस रोड पर पानी।
में क्या था ना, मेरी पूरी आधी गाड़ी डूब रही थी और गाड़ी आवाज़ कर रही थी, गाड़ी में ज़मीन से पानी लग रहे थे। ये पानी कम हो गया तो ये नसीम नगर चौक है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ये खतरा या कुछ मतलब ज़्यादा पानी नज़र नहीं आ रहा भाई। ये चेक करो भाई नसीम नगर चौक, ये चेक करो यहाँ पे भी कोई पानी नहीं है, आगे अली पैलेस तक बहुत सारा पानी होगा। अच्छा तो भाई ये है गली की सिचुएशन, अत्तर की गली की, और अभी हम लोग आए अत्तर के घर में, और जाहिर सी बात है गाड़ी तो ले नहीं जा सकता था इस पानी में, तो ये